आज से हम शुरू कर रहे हैं 12th क्लास की इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर हम शुरू कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इस पे आपको ध्यान देना चाहिए। अब देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, जो इकोनॉमिक्स है उसके दो ब्रांचेस होते हैं, दो पार्ट होते हैं, होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स आप पढ़ चुके हो 11th में, और 12th में आपको पढ़ना है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है ये जानने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए स्टूडेंट्स मेरा पढ़ाने का तरीका है, पहले मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ, कॉन्सेप्ट्स बताता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम्स को जानते हैं। मैं अकाउंटिंग पढ़ाऊँ या मैं मैथ्स भी पढ़ाऊँ, उसमें भी मैं थ्योरी पहले पढ़ाता हूँ, क्योंकि थ्योरी समझने से बच्चों को पता चल जाता है कि हम किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, आगे जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसका मीनिंग क्या है, क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ थ्योरी बताऊंगा, हम थ्योरी से शुरुआत करेंगे और फिर जानेंगे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, जो जो चीज़ें आती हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले शुरू करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, आपको मैं बताता हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है जो जो चीज़ें आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, मतलब एक इंडिविजुअल के लिए, एक बिजनेस के लिए, हम वहाँ पे इकोनॉमिक्स करते थे, हम वहाँ पे प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, गुड्स और सर्विसेज का, इनके बारे में कैलकुलेशन करते थे, वो ही चीजें अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर वास्ट लेवल पर होंगी, मतलब एक बड़े लेवल पर पूरे देश को, मान लीजिए पूरी हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसके लिए हम जब कैलकुलेशन करें पूरे देश के बारे में, एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब टोटल पूरे देश की एग्रीगेट इनकम, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई पूरे देश की, जब हम उस लेवल पे कैलकुलेशन करेंगे और इकोनॉमिक्स से हम जानेंगे कि जो जीडीपी होती है, जीएनपी होती है, ये चीजें क्या होती हैं और इनका क्या यूज है, कैसे इनकी कैलकुलेशन की जाती है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जो फर्स्ट चैप्टर है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स का, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से हम शुरुआत कर रहे हैं जो कि है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इनकम का जो सर्कुलर फ्लो होता है वहां से हम शुरुआत कर रहे हैं, हम जानना शुरू कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को। तो मैं आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बताऊं, उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि क्या फैक्टर्स होते हैं जिससे इनकम हो सकती है। फैक्टर्स मतलब हिंदी में बोले तो साधन, फैक्टर्स मतलब साधन, साधन या कारण, जिन कारणों से, जिन साधनों से इनकम होती है। अब देखिए जैसे हमारा देश है, सबसे ज्यादा मेन किससे कमाई होती है, लैंड से होती है। लैंड मतलब, लैंड कह सकते हो आप, बिल्डिंग कह सकते हो, जिससे आपको रेंट मिलता है। कोई भी जगह हो, बड़े बड़े मॉल आप देखते हैं ना, ये मॉल भी रेंटेड प्रॉपर्टी होती है, जो शॉप जिनने वहां ले रखी है वो रेंट पर ले रखी है, पूरा मॉल हो सकता है जिस कंपनी ने कंस्ट्रक्शन किया हो वो पूरा मॉल किराए पे दे रखा हो, पूरा मॉल, पूरी शॉप्स हर जगह, और उसका वो रेंट से कमा रहे हैं। तो सबसे पहला साधन जो कमाई का होता है वो होता है लैंड, जिससे हम रेंट कमाते हैं, रेंट होती है लैंड से इनकम। ऐसे लेबर, लेबर, लेबर की क्या इनकम होती है, देखिए लेबर के अंदर सारे लोग आते हैं जो सर्विस क्लास लोग हैं, जो भी लोग नौकरी करते हैं। लेबर का मतलब सिर्फ वो लेबर नहीं जो फिजिकल लेबर करके, मजदूरी करके पैसा कमाती है, लेबर मतलब वो सारे लोग जो सैलरीड हैं, जो सैलरी कमाते हैं सरकारी नौकरी में, प्राइवेट नौकरी में, या मजदूरी करने वाले, दिन का डेली वेजेस वाले लोग, वो सारे लोग आते हैं लेबर के अंदर। वो सारे लोग कैसे कमाते हैं, वो सारे लोग कमाते हैं वेजेस से, जो भी उनको वेजेस या सैलरी जो मिलती है उनके काम के अगेंस्ट में जो उनको पैसा कमाई होती है वो कहलाती है वेजेस। तीसरा फैक्टर क्या होता है, तीसरा फैक्टर होता है कैपिटल। कैपिटल मतलब, कैपिटल मतलब वो पैसा जिसे इन्वेस्ट करके या जिसे लगा के लोग उस पर ब्याज कमाते हैं, इंटरेस्ट कमाते हैं। जैसे कि कई तरह के, कई लोग हैं जो जो मान लीजिए आप इंश्योरेंस में, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो वहां से उनको रिटर्न अच्छा आता है, या फिर कई लोग दूसरे को उधार देते हैं। जो बड़े बड़े बैंक हैं, हमारे जो बैंक्स हैं उनकी बेसिकली सबसे मुख्य कमाई क्या है, उनकी मेन कमाई ब्याज है, इंटरेस्ट है, वो लोन देते हैं
और उस लोन के अगेंस्ट में वो इंटरेस्ट कमाते हैं, उसी से ही ये सारे बैंक चल रहे हैं, उसी से उनकी कमाई हो रही है। तो जो कैपिटल है, जो पैसा है, वो लगा के उसके बदले इंटरेस्ट कमाना, ब्याज कमाना, वो तीसरी चीज हो गई। वो हो गया उस कैपिटल, हो गया फैक्टर, और इंटरेस्ट हो गया फैक्टर इनकम उसका। और चौथी चीज है एंटरप्राइज, फोर्थ। एंटरप्राइज मतलब वो सारे बिजनेसमैन, चाहे वो छोटा छोटी दुकान चलाने वाला आदमी हो जो छोटा बिजनेस करता हो, या बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, वो सारे इस कैटेगरी में आते हैं। एंटरप्राइज, एंटरप्राइज वाले क्या कमाते हैं? प्रॉफिट। वो पैसा लगाते हैं, बिजनेस करते हैं, और उस बिजनेस से जो पैसा कमाते हैं वो कहलाता है प्रॉफिट। आप अपने आसपास कहीं भी कैसा भी देख लीजिए, आपको इन चारों फैक्टर्स के अंदर ही सारे लोग मिल जाएंगे। कोई भी किसी भी नौकरी में है तो वो लेबर कहलाएगा, वो लेबर करता है और पैसा कमाता है। कहीं भी, घर से, मकान से, दुकान से, जमीन से, कहीं से भी किराया कमा रहा है आदमी, रेंट कमा रहा है, वो इसके अंदर आ गया। कोई भी व्यक्ति जो पैसा देकर, लोन देकर, कहीं से भी पैसा इन्वेस्ट करके उस पर जो इंटरेस्ट कमाता है, उस पर जो फायदा उठाता है, वो आ गया कैपिटल और इंटरेस्ट वाले फैक्टर और फैक्टर इनकम के अंदर। और फोर्थ फैक्टर एंटरप्राइज के अंदर आ गया प्रॉफिट फैक्टर इनकम। तो इन चारों फैक्टर्स के अंदर जो, यही चारों फैक्टर हैं जिनके अंदर सारे तरीके कवर हो गए पैसा कमाने के। और जो कमाई है, फैक्टर इनकम है, वो ये ही चार तरह की होती है, चाहे कहीं से कोई भी कमाए, इसके अलावा कोई तरीका नहीं होता है। अब इससे हम आगे बढ़े तो मैं आपको बताऊंगा सर्कुलर फ्लो। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किस तरह हो सकता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम या तो प्रोडक्ट फ्लो होता है या इनकम फ्लो होता है, ठीक है? तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो प्रोडक्ट फ्लो होता है, उसके अंदर एक होता है फैक्टर फ्लो, एक होता है प्रोडक्ट या गुड्स का फ्लो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सबसे पहले तो जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, जो इनकम का फ्लो है, उसको होने के दो तरीके हैं, या तो इनकम का फ्लो होता है या प्रोडक्ट का फ्लो होता है। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए, अब प्रोडक्ट फ्लो है, इसके अंदर है फैक्टर फ्लो। फैक्टर फ्लो का मतलब बेसिकली ये जो दोनों चीजें हैं, ये और ये आती हैं बार्टर सिस्टम के अंदर। बार्टर सिस्टम, तो जो अब हमने फिर से बताऊंगा मैं आपको, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब इनकम का जो सर्कल घूमेगा वो कैसे, अगर प्रोडक्ट फ्लो में हम बात करें तो बार्टर सिस्टम है। फैक्टर फ्लो मतलब अगर किसी ने आपके यहाँ, आप मान लीजिए पहले के जमाने में जब बार्टर सिस्टम चलता था, तो किसी को अगर अपने घर में एक कमरा बनवाना, एक रूम बनवाना है, तो वो क्या करेगा, और वो आदमी खुद क्या करता होगा, मान लीजिए वो आदमी खुद पेंट करता होगा, तो जो आदमी कंस्ट्रक्शन करता है, रूम बनाता है, वो उसे कहेगा ऐसा करो, तुम मेरे घर आके मेरे घर में रूम बना दो, मैं तुम्हारे घर पे जाके तुम्हारे घर पे पेंट कर दूंगा, ठीक है? तो यहाँ पे फैक्टर फ्लो हो गया, मतलब एक व्यक्ति ने एक का एक काम कर दिया, जैसे कि एक्स ने वाई का काम कर दिया और वाई ने एक्स का काम कर दिया, ये कहलाएगा प्रोडक्ट फ्लो के अंदर फैक्टर फ्लो। वहीं पर प्रोडक्ट एंड गुड्स फ्लो के अंदर एक्स वाई का एक काम करेगा, लेकिन वाई बदले में उसको क्या देगा, कुछ प्रोडक्ट दे देगा, कुछ गुड्स दे देगा, ठीक है? जैसे कि मुझे रूम बनवाना था अपने घर में बार्टर सिस्टम के हिसाब से, तो मैंने जो कंस्ट्रक्शन करता था उसको बुला लिया, उसने मेरे घर में रूम बना दिया, तो मैंने उसको घी दे दिया 5 लीटर, क्योंकि मेरे घर में गाय भैंस हैं, या मैं घी बना पाता हूँ, या मेरे पास, मैं खेती करता हूँ तो मैं उसको अनाज दे दूंगा, या फिर वो मुझे कुछ सामान देगा और उसके बदले मैं उसे कुछ सामान दे दूंगा। तो ये कहलाएगा प्रोडक्ट गुड्स फ्लो, और फैक्टर फ्लो कहलाएगा काम के बदले काम, ठीक? तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पहला पॉइंट प्रोडक्ट फ्लो है, इसके अंदर फैक्टर फ्लो है, काम के बदले काम, और प्रोडक्ट और गुड्स फ्लो के अंदर काम के बदले सामान या सामान के बदले सामान, ये होता है। अब इनकम फ्लो क्या होता है? इनकम फ्लो, अगर हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर बात करेंगे,
ये तो दे दिया, अब इररेलेवेंट है, इसके बारे में इसके आगे बात भी नहीं होगी। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में बात होगी, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब इनकम कैसे फ्लो करती है। सबसे पहला फेज होता है इनकम के सर्कुलेशन का, प्रोडक्शन फेज। सबसे पहले क्या होता है? प्रोडक्शन। अब यहीं से हम शुरुआत कर लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो 10,000 रुपये कमाता है, ठीक है, 10,000 उसकी सैलरी है। वो एक कंपनी में, एक फैक्ट्री में काम करता है, ठीक है, वो इस फैक्ट्री में काम करता है। इस फैक्ट्री के अंदर क्या होता है? गुड्स का प्रोडक्शन होता है। गुड्स मतलब मैगी, ब्रेड, फ्रिज, ऐसी सब चीजें, मान लीजिए जितनी चीजें हम यूज करते हैं वो सारी चीजें इस फैक्ट्री के अंदर बनती हैं, ठीक है। अब इस फैक्ट्री के अंदर ये सारी चीजें बन गई, फिर वो जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति ये यहाँ पे काम करता है। अब ये सारी चीजें बन गई और इन चीजों, यहाँ पे काम करने से क्या हुआ इसको? इसको हुई इनकम, इसको इनकम हुई, पैसा मिला, ठीक है। तो अब जो इनकम हुई इसको, जो 10,000 रुपीज मिले, 10,000 रुपए, ये 10,000 रुपए क्या करेगा? ये 10,000 रुपए खर्च करेगा ना, काहे में खर्च करेगा? जो चीजें यहाँ बनी, मान लीजिए जितनी चीजें इस दुनिया में बनती हैं, जो लोग यूज करते हैं, सब इस फैक्ट्री में बनती हैं। इस फैक्ट्री में ये व्यक्ति काम करता है, तो इस फैक्ट्री से इसे मिल गए 10,000 रुपए। अब वो सामान इसको मिल गए, 10,000 रुपए इनकम हो गई। लेकिन इनकम होने के बाद अब ये बाजार में जाएगा सामान खरीदने, खाने पीने का सामान, आटा, दाल, ब्रेड, दूध, ठीक है, कूलर, एसी, फ्रिज, बाइक, कार, सारी चीजें वो खरीदेगा। खरीदने के लिए क्या करेगा? खर्चा। तो यहाँ पे ये कर देगा एक्सपेंडिचर। तो पहले तो सारा सामान बना है, यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ, तो इस प्रोडक्शन को करने से इसको क्या हुआ? इनकम हुई, क्योंकि इसने काम किया। अब जो इनकम हुई वो इसने खर्च कर दी, पैसा खर्च कर दिया। पैसा खर्च करने से क्या हुआ? जो सामान यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ था वो सामान कम हो गया, ठीक है, क्योंकि वो सामान बिक गया। अब बिक गया तो वो सामान फिर से बनेगा, तो जो पैसा खर्च हुआ है वो पैसा इस फैक्ट्री में ही चला गया ना वापस, क्योंकि जो सामान इसने यहां से खरीदा वो इस फैक्ट्री से ही था। तो सामान खरीदने के बाद पैसा फैक्ट्री के पास चला गया फिर से वापस, और फैक्ट्री फिर से प्रोडक्शन करेगी, क्यों? क्योंकि सामान खत्म हो गया। तो यही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है। सबसे पहले तो प्रोडक्शन फेज होता है, जनरेशन ऑफ इनकम। यहाँ पे क्या है? प्रोडक्शन हो रहा है, काम चल रहा है, तो प्रोडक्शन हो रहा है, सामान बन रहा है और इनकम भी बन रही है, जनरेशन ऑफ इनकम हो रहा है। अब यहां पर इनकम फेज है, इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। देखिए यहां पे काम किया, प्रोडक्शन किया, तो इनकम बनी, फिर इनकम मिली, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हुआ। अब ये जो इनकम है ये यहां पर जाके डिस्पोजिशन ऑफ इनकम हो गया। डिस्पोजिशन मतलब खत्म हो जाना, खर्च हो जाना, तो यहां पे जाके इनकम का हो गया डिस्पोजिशन, खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि खर्चा हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, यहां पे एक्सपेंडिचर फेज है। तो खर्चा होगा, तो खर्चा किस चीज पे हुआ? सामान खरीदने पे, और वो सामान किसका था? इस फैक्ट्री का था, तो वापस पैसा इसी फैक्ट्री के पास चला गया। तो यही सर्कुलर फेज ऑफ इनकम है। इसी तरह से ये पूरी दुनिया, ये देश चल रहा है। लोग जो भी काम करते हैं उससे पैसा कमाते हैं, फिर उस पैसे को खर्च करते हैं क्योंकि उन्हें सामान खरीदना होता है, और जब वो उस पैसे को खर्च करते हैं तो वो घूम के वापस वहीं पहुंच जाता है, उन्हीं के पास पहुंच जाता है जिन जिन लोगों से उसने पैसा कमाया है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो गवर्नमेंट से सैलरी कमाता है, ठीक है, लेकिन वो जो इनकम करता है, ठीक है, उस पर वो टैक्स देता है। मान लीजिए 30% टैक्स दिया उसने, तो 30% तो सीधे इनकम टैक्स चला गया गवर्नमेंट के पास। उसके बाद वो जो जो चीजें सामान खरीदता है, जो जो सर्विसेज खरीदता है, उन सब पे वो जीएसटी भी देता है। होटल में खाना खाने जाता है उस पर जीएसटी देता है, तो उस पर भी वो टैक्स देता रहता है, टैक्स देता रहता है, तो वो टैक्स भी गवर्नमेंट के पास चला गया। फिर उसने जो सामान खरीदा, मान लीजिए एसी खरीदा उसने, कार खरीदी, तो वो जिस कंपनी ने बनाई है वो कंपनी भी गवर्नमेंट को टैक्स देती है। तो
जो उसने कार खरीदी उस पे जो पैसा खर्च किया उसमें से भी कुछ पार्ट गवर्नमेंट के पास चला गया और एंड में गवर्नमेंट ही उसे सैलरी देती है। तो जो सर्कल ऑफ इनकम है वो यही कहता है कि आप पहले प्रोडक्शन करोगे, प्रोडक्शन से आपकी इनकम बनेगी, फिर जब इनकम बटेगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा, इनकम आपको मिलेगी, उसके बाद आप क्या करोगे, इनकम को खर्च कर दोगे, डिस्पोजिशन कर दोगे, एक्सपेंडिचर कर दोगे, जिससे कि क्या होगा, वापस जो इनकम है, जो पैसा है, वहीं पहुंच जाएगा जहां से सामान बना था।